नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हापुड़ के कोटला सादत में 6 साल का बच्चा 40 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद से उस बच्चे को बचा लिया गया है। बता दिया कि आपको ये बच्चा उस वक्त गिरा था जब वे खेल रहा था और बच्चे को पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन और साथ ही दूध दिया जा रहा था। बता दें कि गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके बाद से अब बच्चे को बचा लिया गया है। 40 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिरा था, जिसके बाद से एनडीआरएफ टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद इस बच्चे को बचा लिया है। और बता दें कि बच्चा बोल और सुन नहीं पाता है, साथ ही बता दें कि इसकी टीम को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही थी और जिसके बाद से बोरवेल में बच्चा गिरा और वहां नगर पालिका थी। और अभी बता दें आपको कि जिसके बाद से बच्चे को काफ़ी मुश्किलों के बाद बोरवेल से बाहर निकाला गया और बच्चा खेलते वक्त बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद से एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए इस बच्चे को 40 फीट गहरे बोरवेल में जो गिरा हुआ था बच्चा, इसको काफी मशक्कत के बाद बचा लिया है। अब खबर बाराबंकी से है, जहां यूपी के बाराबंकी में खुलेआम घूम रहा साइको किलर अब तक 3 बुजुर्ग महिलाओं को मर्डर कर चुका है। बता दें कि बाराबंकी जिले में घूम रहा ये साइको किलर की पुलिस को तलाश लगातार है। ये साइको किलर को लेकर लगातार पुलिस की टीमें जो है इसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस की 6 टीमें इसकी तलाश में जुट गई है। और बता दें कि यूपी के बाराबंकी का ये मामला है, जहाँ पर ये साइको किलर जो है बुजुर्ग महिलाओं को अपना निशाना बनाता था। और बता दें 3 बुजुर्ग महिलाओं का ये साइको किलर मर्डर कर चुका है, जिसके बाद से पुलिस लगातार इस साइको किलर की तलाश में जुटी हुई है। लगातार पुलिस लोगों को फोटो दिखाते हुए अपील करती हुई नजर आ रही है कि अगर किसी को इस साइको किलर के बारे में कोई जानकारी हो तो इसके जानकारी भी दे दे। और साथ ही बता दें कि ये जो साइको किलर है वे बुजुर्ग महिलाओं को अपना निशाना बनाता था, और जिसके बाद से लगातार पुलिस इस साइको किलर की तलाश में जुटी हुई है। और साथ ही बता दें कि 3 हत्याएं कर चुका है ये साइको किलर, जिसके पकड़ने के लिए लगातार जो पुलिस की टीम है वे जुटी हुई है। जिसके बाद से बता दें कि तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है, तमाम जगहों पर पुलिस जो है 6 टीमें पुलिस की वे लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई है। झांसी में आज एक साथ लोग एकत्र होते हुए नजर आए और इस दौरान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे लोग, और इस दौरान मांग की है कि हमारे यहाँ के रास्ते को बस यूनियन के पदाधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी मिले भगत करके रास्ते को बंद कराना चाहते हैं, जबकि यह पूरा इलाका रिहायशी है और साथ ही हरिजन समाज कल्याण की लगभग 20 दुकानें भी बनी हुई है और साथ ही अनेकों प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सुलभ शौचालय बने हुए हैं और यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पुराना एक मंदिर भी स्थापित है, इसलिए पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। और साथ ही बता दें जिसके बाद से यहाँ पर गड्ढे खोदकर बंद कराने की तैयारी में लगातार जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमेशा रास्तों को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे, चाहे हम इसके लिए भूख हड़ताल पर क्यों ना बैठ जाए। वहीं झांसी में अवैध खनन बदसूर जारी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बालू कारोबारियों पर सख्ती से निगरानी रखने के कड़े निर्देश के बाद से जिसका पालन करने की जिम्मेदारी खनिज विभाग, पुलिस विभाग, तहसील प्रशासन के ऊपर है, लेकिन मामला जिला झांसी के तहसील गरोठा अंतर्गत आने वाले ग्राम धमनौद का है, जहाँ पर एक डॉक्टर द्वारा दादरी सरकार के नाम से बोर्ड लगाकर निजी भूमि पट्टा से बता दें कि एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अवैध खनन का काम लगातार जारी है और किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं लोग। ग्राम धमनौड़ में जो भी हम लोगों को शिकायतें प्राप्त होती हैं अवैध खनन से लेकर, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। इसके लिए हम लोग खनिज विभाग की टीम और थाना कार्रवाई की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हैं। जैसे ही इसकी कोई भी सूचना हम लोग प्राप्त होगी, हम लोग उस पर तत्काल जो है कार्रवाई करेंगे।
और झांसी की यह तस्वीर जहां पर बता दें कि एनजीटी के नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों देखिए आप किस तरीके से तस्वीर में अवैध खनन का ये मामला जो है, अब देखिए किस तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है और एनजीटी के नियमों की किस तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दें कि आपको इस अवैध खनन को लेकर लगातार सरकार जो है तमाम तरीके के निर्देश दे चुकी है, लेकिन अवैध खनन का कार्य अभी भी बदस्तूर जारी है। इसको लेकर अभी भी प्रशासन की कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही है। और जिसके बाद से बता दें कि झांसी की ये तस्वीर है जहां पर अवैध खनन का ये कार्य किया जा रहा है और जिसको लेकर प्रशासन को एक सख्त रवैया प्रशासन को देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पर आप देखिए किस तरीके से ट्रकें जा रही हैं और किस तरीके से यहां पर अवैध खनन का कार्य किस तरीके से लगातार जारी है। अवैध खनन के कारण यहाँ पर जो ज़मीन है उसमें गड्ढे भी हो चुके हैं और कोई भी यहाँ पर हादसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अवैध खनन का कार्य जारी है और प्रशासन के कानों तले जू तक नहीं रेंग रही है। प्रशासन इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं इस मामले को लेकर जिस तरीके से यूपी सरकार ने बड़े बड़े निर्देश दिए हैं और इसको लेकर तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद से अधिकारी और प्रशासन की मिलीभगत की वजह से ये अवैध खनन का कार्य लगातार जारी है। और इस तरीके से आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर अवैध खनन किया जाता है, किस तरीके से अवैध खनन के कारण यहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसको लेकर कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसके देखते हुए यहाँ पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ना यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में मानसिक अपराध समीक्षा गोष्ठी और साथ ही सैनिक सम्मेलन हुआ है, जहां साथ ही बता दें कि इस दौरान तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही बता दें कि इसको लेकर सुधा सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्र अधिकारीगण और समस्त प्रभारी ने इस दौरान निरीक्षण किया है और साथ ही तमाम तरीके के दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन हुआ है और इस दौरान बता दें आपको कि गोष्ठी और सैनिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें किस तरीके से समस्याओं से पुलिस जूझते हैं और किस तरीके की समस्याओं से लोग जूझते हुए नजर आते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर वहां पर विस्तार से चर्चा की गई है, अपनी बातें रखी गई है और साथ ही उन समस्याओं को देखते हुए त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। श्रावस्ती में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां का अपने डांस केदारी में अपने ही रिश्तेदार के यहां आया हुआ था और चौकी साइकिल से सवार होकर नहर पुल के निकलते समय अचानक वह नहर में गिर गया। किशोर लापता हो गया है। कोई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और बता दें कि किशोर की तलाश लगातार जारी है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश की जा रही है। वहीं बता दें कि परिजनों और रिश्तेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का के रो रो कर इस मामले को लेकर बुरा हाल है। बता दें कि ये किशोर जो है वे नहर में डूब गया है, जिसके बाद से लगातार गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश लगातार जारी है। और श्रावस्ती में निजी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ बिना लाइसेंस चल रहे अस्पताल पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। आपको बता दें एसडीएम के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की है और इकोना में देर रात हुई इस छापेमारी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। दो अस्पताल सील किए गए हैं, वहीं एसएस हॉस्पिटल और साथ ही शब्बीर मेमोरियल क्लिनिक में ताला लगाया गया है। वही जानकारी के अनुसार दो दिन पहले ही दो अन्य अस्पतालों को सील किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। और बता दें कि स्वास्थ्य की ये खबर है जहां पर अस्पतालों में छापेमारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और इस दौरान निजी अस्पतालों को लेकर डॉक्टरों में वहां के लोगों में हड़कंप मचा हुआ नजर आया है। दो अस्पतालों को सील किया गया है। बता दें कि इस मामले को लेकर एसएस हॉस्पिटल और साथ ही शब्बीर मेमोरियल क्लिनिक पर ताला लगाया गया है और देर रात इस श्रावस्ती में इस तरीके से लगातार छापेमारी की जा रही है अस्पतालों को लेकर, और जिसके बाद से
अस्पताल के डॉक्टरों और साथ ही तमाम जगहों पर हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य में निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पतालों पर ये ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। इसके बाद से वहाँ के अस्पताल के डॉक्टरों में और साथ ही वहाँ के लोगों में हड़कंप मचा हुआ नजर आया। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से इस दौरान छापेमारी की जा रही है। एसडीएम के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां मौके पर मौजूद रही है और इस दौरान इकोना में देर रात हुई छापेमारी से दो अस्पताल को सील किया गया है। इन अस्पतालों का नाम है एसएस हॉस्पिटल और साथ ही शबीर मेमोरियल क्लिनिक, जहां पर ताला लगाया गया है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये ज़बरदस्त कार्रवाई देखती को मिल रही है, जहाँ पर अस्पताल में ताबड़तोड़ ये छापेमारी की गई है, जिसके बाद से यहाँ दो हॉस्पिटल में ताला लगाया गया है। और श्रावस्ती में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी काबिले तारीफ है। जिस तरीके से अस्पतालों में छापा मारा गया है और जिस तरीके से वहाँ के लोगों में एक अलग डर और हड़कंप देखने को मिल रहा है, इससे स्वास्थ्य विभाग की एक ज़बरदस्त कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी आज नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी थी। वहीं मुख्तार अंसारी उसकी पट्टी मामले में मुख्य गवाह है। मामले को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद से अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि प्रशासन कोहरे के चलते जोखिम नहीं उठाना चाहता है। और आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की पेशी आज नहीं हो पाई है। और बतार अंसारी की पेशी होनी थी, जिसके बाद से आज उनकी पेशी नहीं हो पाई है। बता दें कि कोहरे के कारण ये जोखिम नहीं उठाना चाहती थी प्रशासन, जिसकी वजह से ये पेशी नहीं हुई है। साथ ही बता दें वही बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी आज इसको लेकर नहीं हो पाई है। मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी थी, जिसके बाद से प्रशासन ने सबसे ज़्यादा कोहरा देखने के बाद वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था, जिसको लेकर वो उसने पेशी करने से मना कर दिया। मुख्तार अंसारी उसरी पट्टी मामले में मुख्य गवाह है, जिसको लेकर आज उसकी पेशी होनी थी कोर्ट में और आज पेशी नहीं हुई है। हरदोई में आज हादसों का नाम रहा है। कोहरे के कारण हुए हादसों में तीन लोगों की जान चली गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई गई है। उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि हादसों के कारणों का जांच की जा रही है। पहला हादसा दे कि मल्लावा क्षेत्र के मल्लावा संढीला मार्ग का हुआ है। यहाँ दो ट्रैकों में टक्कर हो गई है। बता दें कि टैंकर चालक जो है उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। सीतापुर से गुजरात मिथाइल लाद तीन टैंकर जा रहे थे, जैसे ही वे मल्लावा में नहर पुल के पास पहुंचे, तभी एक टैंकर ने दूसरे टैंकर को टक्कर मार दी, जिसके चलते टैंकर सवार चेनाराम, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, और साथ ही हीरा राम चौधरी निवासी फसन नोएडा, और बता दें कि इनकी दर्दनाक मौत हो गई है। साथ ही बता दें कि जैसमेर राजस्थान के ये रहने वाले थे, जिनकी ये दर्दनाक मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और इस दौरान जो चालक का शव है उसे बरामद कर लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हरदोई में घने कोहरे के कारण दो टैंकरों की आपस में भिड़ंत हो गई है। हादसे में एक टैंकर चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। मल्लावा सढीला मार्ग पर दो टैंकरों की जबरदस्त टक्कर होने की खबर सामने आई। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और टैंकर सीतापुर से गुजरात में थाई लाद कर जा रहे थे। वहीं मल्लावा नहर पुल के पास एक टैंकर ने दूसरे टैंकर को टक्कर मार दी, जिसमें टैंकर चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने परिजनों के इंतजार में लगातार बता दें कि
इंतजार कर रही है, उसके बाद ही पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई करेगी। फिरोजाबाद में घने कोहरे के चलते आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए हैं। हादसे के बाद से एक्सप्रेसवे पर चीख पुकार मच गई। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और साथ ही यूपीडा ने गंभीर रूप से घायल दो लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार जारी है। बता दें कि फिरोजाबाद का ये मामला है जहाँ घने कोहरे के चक्कर में हादसे के शिकार हो जा रहे हैं लोग, और इस दौरान कई वाहन जो है आपस में टकराती हुई नजर आई है। इसके बाद से लगातार जो घायल हो गए हैं उनका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर दो लोग घायल हुए हैं, और ये हादसा बता दें आपको कि फिरोजाबाद में ये हादसा हुआ है जहाँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कई वाहन जो है आपस में ही टकरा गए घने कोहरे के कारण। और साथ ही बता दें कि हादसे के बाद से एक्सप्रेसवे पर वहाँ चीख पुकार मचती हुई नजर आई है। वहाँ सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और साथ ही यूपीडा ने गंभीर रूप से घायलों को लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि उपचार लगातार जारी है घायलों का, और साथ ही बता दें कि जहाँ जिस तरीके से ठंड का प्रकोप जारी है, और बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी एक अलग ठंड का प्रकोप जारी है, काफ़ी ज़्यादा कोहरे होने के कारण यहाँ पर गाड़ियाँ जो है सड़कों पर रेंगती हुई नज़र आती है। वहीं ये आपको बता दे रहे हैं, ये मामला जो है ये एक्सप्रेसवे का मामला है जहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेसवे का मामला है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं आपस में ही टकरा गई, जिसके कारण से कई लोग इसमें घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले की होते ही वहां पर चीख पुकार देखने को मिली, क्योंकि यहां पर कोहरे के कारण आपस में कई गाड़ियां टकराई, और जिसमें बता दें कि दो घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं बस्ती में चोरों के हौसले बुलंद है, और साथ ही बता दें कि थाना कप्तानगंज बाजार में बता दें कि SBI बैंक के ATM में घंटों बता दें कि गैस कटर से काट कर चोरों ने कैश बॉक्स को उठा ले गए हैं। चोरों ने बकायदा घंटों तक गैस कटर से ATM को काटा, और उसके बाद से पुलिस को इस मामले की भनक तक नहीं लगी। वहीं पुलिस ने रात भर सोती रही। मैं बता दें कि ATM में बीती शाम को लगभग 20 लाख रुपए डाले गए थे, और इस दौरान चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उसने गैस कटर से ATM को काटा, और इस दौरान सारे पैसे लेके भी फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, और बता दें ये बस्ती का मामला है जहां पर चोरों के हौसले इन दिनों काफ़ी बुलंद नज़र आ रहे हैं। इसके बाद से लगातार चोरी की वारदातें देखने को मिलती है, और बता दें कि यहाँ गैस कटर से ATM को काट कर सारे कैश लेकर चोर वहाँ से फरार हो गए हैं, और पुलिस को इस मामले की भनक भी नहीं लगी है, जिसके बाद से लगातार बता दें पुलिस इस मामले को लेकर चोर की तलाश में जुटी हुई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।